Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford's algorithm. Beta, Bellman-Ford algorithm is used to find out the shortest path from the vertex to the all other vertex of the weighted ball. This Bellman-Ford is work same like as a Disaster algorithm, but the difference between this and Disaster algorithm is it deal with the positive as well as with negative weights. बेटा मैं डिस्कास्टर पहले करवा चुकी हूँ. डिस्कास्टर एल्गोरिथम भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता था, बट डिस्कास्टर इज ओनली डील्स विद द पॉजिटिव वेट. बट इन दिस केस Bellman-Ford एल्गोरिथम इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ एंड वर्क सेम लाइक अ डिस्कास्टर एल्गोरिथम, बट द डिफरेंस इज इट डील्स विद द पॉजिटिव एज वेल एज विद द नेगेटिव वेट्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Here is M, N, O, P and Q. Let us take these five different nodes. M to N having weight 4, M to Q having weight 2, N to N to Q having weight 3 and Q to N having weight 1, N to O having weight 2, O to P to O having weight minus 2 and Q to P having weight 5 and N to P having weight 3 and Q to O having weight 4. This is all about the example. Rajay, this algorithm is used to find out the shortest path. मैंने पहले तुम्हें बता दिया. तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हमारे पॉजिटिव वेट भी आ रहे हैं एज वेल एज क्या आ रहा है, हमारे नेगेटिव वेट भी आ रहे हैं. तो नेक्स्ट ग्राफ में क्या करूंगी, सबसे पहले हम जो फर्स्ट कौन कौन से हमारे पास नोड है, एम N, O, P and Q. Let us suppose we want to find out the path from M to O. Clear? M to O जाने के लिए हमने कौन सा find out करना है, shortest path. राजी क्योंकि इसमें हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वेट्स ही हुए हैं, तो हमें बिना बोले भी पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, तो हमने Bellman-Ford एल्गोरिथम ही लिखना है. अगर तो पॉजिटिव वेट होते तो दैट इज अप टू योर चॉइस, यू कैन गो विद द Bellman-Ford ऑफ डिस्कस्ड. एक्चुअली टर्मिनोलॉजी और जो टेक्निक एप्लीकेबल होगी वो दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी. क्लियर? तो अब क्या करना है, हमने एम टू एन ये जो नोड है मैं एज इट इज लिख रही हूँ जो गिवन मेरे नोड थे. And here is arrow like this and Q to P, this node is Q and this is P and this is O and here is the arrow and one arrow is from this to this and one arrow is from this to this, this to this. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो मैंने M से O जाना बेटा. M इज द सोर्स एंड O इज द डेस्टिनेशन. तो M से M तो हमारा कोई भी वेट नहीं लगेगा, पुट दैट वेट एज अ जीरो एंड रेस्ट ऑफ ऑल एज अ इनफिनिटी एज अ मैक्सिमम डिस्टेंस. फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में मैंने जो अपना सॉरी हियर इज फोर एंड हियर इज थ्री,
फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो सोर्स है उसको मैंने जीरो ले लिया, क्योंकि सोर्स टू सोर्स जाने के लिए तो कोई पाथ लगेगा ही नहीं, दैट इज जीरो। और रेस्ट टू फॉल मैंने क्या ले लिया, विद द मैक्सिमम वेट दैट इज इनफिनिटी। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे एम से तो स्टार्ट ही कर रही हूँ, एन ओ पी क्यू, इसी पे जा रही हूँ ना। फर्स्ट स्टेप के लिए सोर्स से मैं गई जीरो और रेस्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कर दिए, इन्फिनिटी। क्लियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो राजू, मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट अस टेक द अनदर दिस वन। अब मेरे को बताओ, एम टू एन जाने के लिए मैं छोटा पाथ कौन सा ले रही हूँ, एम टू एन हैविंग द वैल्यू 4। क्लियर। एम टू एन जाने के लिए मैं कितनी वैल्यू ले रही हूँ, 4। तो यहाँ पे करो एम टू एन 0, तो ये तो सोर्स के लिए तो सारे के सारे 0 आएंगे जितने भी मैं लिखूंगी, ठीक है। एम टू एन जाने के लिए मेरा मिनिमम डिस्टेंस कितना अभी तक आ रहा है, 4। नाउ चेक फॉर एम टू ओ, एम टू ओ तो अभी मैं जा नहीं सकती, ठीक है। एम टू क्या जाऊंगी मैं, क्यू, तो यहाँ पे मैं क्यू लिख लूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। एम टू क्यू जाने के लिए मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2। क्लियर। यहाँ पे मेरा 4 डिस्टेंस आया था फ्रॉम एम टू एन, एंड एम टू क्यू जाने के लिए मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2। क्लियर। रेस्ट ऑफ ऑल मेरे को डिस्टेंस लिखना ही नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं गई। अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी। अब मेरा एन, एन पे जब मैं रजे आ रही हूँ, एम टू एन चेक करो, और कोई पाथ बन रहा था, एक तो मेरा बन रहा था पाथ एम टू एन, दैट इज हैविंग द वेट 4। और मेरा पाथ क्या बन रहा है, मैं एम टू क्यू जा रही हूँ एंड क्यू टू एन जा रही हूँ। एम टू क्यू, एम टू क्यू जाने के लिए मेरा वेट कितना लग रहा है, 2, प्लस क्यू टू एन जाने के लिए मेरा वेट कितना लग रहा है, 1। क्लियर टू ऑल, ठीक है। अगर मेरा अब मेरा वेट, पहले मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा था, मैंने एम टू एन कितना डिस्टेंस यहाँ पे लिया था, 4, और एम टू एन मेरा कितना डिस्टेंस आया था, 2। लेकिन जब मैं ये वे आउट यूज कर रही हूँ, एम टू क्यू एंड क्यू टू एन, तो मेरा टोटल वेट कितना लग रहा है, 2 + 1 = 3। पहले डिस्टेंस मेरा 4 था, अब मेरा 2 आया, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, 4 ज्यादा या 3, 3 इज लेस देन 4, तो इसलिए मैं क्या चूज करूंगी, 3। नाउ चेंज दिस n वैल्यू 4 विद द 3 वैल्यू। क्लियर। और m टू q जाने के लिए कोई और पाथ है, एक ही पाथ था m टू n, n टू q, दैट इज 4 + 3 = 7, 7 ज्यादा था, तो इसलिए मैंने 2 ही रहने दिया। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस दिस स्टेप। क्लियर। नाउ मैं नेक्स्ट नोड कंसीडर कर रही हूँ, p। अब मैं पी नोड पे जाने के लिए, पी नोड पे जाने के लिए देखो मेरे पास कौन कौन से रास्ते आ रहे हैं। पी नोड पे जाने के लिए मैंने फाइंड आउट करा, पी पे जाने के लिए राजे मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं। मैं गई एम टू एन, एन एम टू एन, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था मिनिमम, और मेरा इस वे आउट में डिस्टेंस मिनिमम अभी तक कितना आया, 3 आया मेरा डिस्टेंस। नाउ आई वॉन्ट टू कवर दिस पी पॉइंट, पी पॉइंट कवर करने के लिए आइदर आई गो मूव फ्रॉम क्यू टू पी। अगर तो मैं Q टू P जाती हूँ तो मेरी P की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, और यहाँ मैं N टू P आती हूँ, N टू P आती हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + 3 = 6, 6 इज लेस देन 7, तो मैं P के लिए कौन सा पॉइंट यूज करूंगी, 6 यूज करूंगी। दिस मीन्स हियर इज 0, 3, 2 and 6। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वाई दिस 6 मेरा कैसे आया, फिर से बता रही हूँ। अगर मैं, दो वे है मेरे को 6 से पहुंचने के लिए, आइदर आई गो फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू तक का जो मैंने अब तक मेजरमेंट करी थी दैट इज 2, तो पी तक जाने के लिए कितना लगेगा, 2 + 5, दिस इज इक्वल टू द 7। अनदर वे आउट मेरा जो पी पे जाने के लिए, दैट इज फ्रॉम एन टू, दैट इज फ्रॉम एन टू पी, एन का मेरा ओरिजिनल वेट अभी तक कितना आया था, 3, तो 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो विच वन इज द लेस वेट, दैट इज 6, तो मैंने 6 वेट जो है वो पी के लिए कंसीडर कर लिया। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर यूज्ड हियर। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज आवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मेरा क्यों था, ओ।
ओ डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए राजे आइदर आई कम फ्रॉम N2O, कितना आ रहा है मेरा, 3 + 2, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू द एन टू ओ, जाने के लिए मेरा डिस्टेंस कितना था, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू द 5, यहाँ तो ये डिस्टेंस 5 होता, और कैसे मैं ओ पे जा सकती हूँ, दैट इज फ्रॉम क्यू टू ओ, क्यू का मेरा वेट था 2 और वहां जाने के लिए जो मेरा वेट आ रहा है 4, तो दिस मीन्स एक मैं जा सकती हूँ क्यू टू ओ, क्यू टू जो ओ जाने के लिए कितना आएगा, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। थर्ड में कैसे जा सकती हूँ, फ्रॉम पी टू ओ, पी टू ओ, P का मेरा वेट कितना आ रहा है, 6, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, विच वन इज द लेस वेट, विच वन इज द लेस वेट, दैट इज 1, तो मैं P टू O जाने के लिए जो मैंने वेट यूज किया, दैट इज P टू P जाने के लिए मैंने वेट जो यूज किया, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज अगेन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज अगेन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, P टू O जाने के लिए जो मैंने वेट किया, दैट इज इक्वल टू द 1, तो ये मेरा वेट कितना आ गया राजी, यहाँ पे कितना वेट आ गया, दैट इज 1। अब मैं कौन सा वे आउट है जो मैं यूज करूंगी ट्रेवलिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस बेलमैन फोर्ड, तो दिस इज फ्रॉम ओ टू, पहले पी जाएंगे, 1 इसके कारण आया था, 6 किसके कारण आया था, एन, पी टू जाएंगे हम कहाँ पे, एन, एन थ्री कहाँ से आया था, एन टू जाएंगे क्यू, एंड टू कहां से आया था, क्यू टू जाएंगे एम, तो व्हाट इज द वे, दैट इज फ्रॉम एम टू क्यू, क्यू टू एन, एन टू पी एंड पी टू ओ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, हाउ द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम एक्चुअली फाइंड आउट द मिनिमम पाथ। नाउ वी आर टेलिंग, आई एम टेलिंग यू अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेटा द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन फोर्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ई, व्हाट इज ई, ई स्टैंड्स फॉर द एजेस, एंड एवरेज केस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वी ई, व्हाट इज वी, वी इज द वर्टेक्स, ई आर द एजेस, एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अगेन द सेम, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वी ई, दीज आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज दैट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वर्टेक्स इटसेल्फ, क्लियर, होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, एप्लीकेशन एज बेटा इटसेल्फ, इट्स डेफिनेशन रिप्रेजेंट, फर्स्ट इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इन राउटिंग एल्गोरिथम, इन राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम्स में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को यूज करेंगे। व्हाट आर द सेकंड, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द, फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड बेटा दिस बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, दिस दीज आर बोथ आर बेलमैन फोर्ड एंड डिस्कास्ट्रा, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दी डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, दीज टू एल्गोरिथम्स आर द सिंगल सोर्स shortest path algorithm, both are the single source shortest path algorithm. So student, if you still have any doubt regarding this topic, if you are not able to understand beta, write in the comment section, I will definitely resolve your query, and if you are able to understand this lecture, then like the lecture and subscribe the channel. I will give you a one example and try to solve at your own beta this example with the help of this Bellman Ford algorithm. Let us suppose A, B, and here is C and D. Let us suppose here is E, and this is the algorithm, and let us, sorry, take this as
here is 8 value, 2 value, minus 4 value, 3 value, and 4 value. Here is 2 value, 1 value and 9 value. Try to solve this question with the help of Bellman-Ford algorithm, beta. And the source to destination, if we want to move from A to C. If you are not able to solve this question, then write in the comment section. I will definitely solve this question in my next video. Thank you.